हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई इको गाइड पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक आती रहे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फिस्कल डेफिसिट। क्या होता है फिस्कल डेफिसिट, पहले हम बात करते हैं। देखिए, फिस्कल डेफिसिट होता है जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट से बोरोविंग्स को छोड़कर, गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। इसे हिंदी में राजकोषीय घाटा कहा जाता है, लेकिन इसे हम अपनी लाइफ के एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप कोई वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट में बिजी हैं, किसी तरह का कोई काम कर रहे हैं, आपकी मंथली इनकम 50,000 है और आपको इस मंथ 60,000 यानी कि 60,000 का खर्चा करना है, तो आप इनकम आपकी है 50,000 और आपका खर्चा है 60,000, तो 100% है कि आपका बजट माइनस में जाने वाला है, क्योंकि आपका खर्च है 60,000 और आपकी इनकम है 50,000। ऐसे ही गवर्नमेंट का होता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, देश में डेवलपमेंट देखना होता है, तरह तरह के प्रोजेक्ट्स देखने होते हैं, साथ साथ में मेंटेनेंस पर भी खर्चा करना होता है, सर्विसेज पर भी खर्चा करना होता है, तो गवर्नमेंट को बहुत कुछ देखना होता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को डिसाइड करती है अकॉर्डिंगली। तो कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है, और ऐसे में गवर्नमेंट को फेस करना पड़ता है फिस्कल डेफिसिट का। तो सिंपल वर्ड में कहा गया है फिस्कल डेफिसिट क्या है, कि जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए तो उसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है, और टोटल रिसिप्ट में बोरोविंग्स को ऐड नहीं करना है। आइए हम समझते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है। देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर में सरकार दो तरह के खर्च करती है। पहला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि जो नॉर्मल रनिंग के एक्सपेंडिचर्स होते हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट को अपने जो है डिपार्टमेंट्स चलाने हैं, तो जो नॉर्मल डिपार्टमेंट्स को जो नॉर्मल रनिंग के खर्चे होते हैं और जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है सर्विसेज का, वो सारे खर्चे आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और जिन खर्चों से गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ते हैं या लाइबिलिटीज कम हो जाती हैं, उनको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दोनों खर्चों को मिलाकर गवर्नमेंट करती है एक्सपेंडिचर। जितनी भी सर्विसेज आप गवर्नमेंट की ले रहे हैं उन सर्विसेज पर खर्चा होता है, साथ साथ में मेंटेनेंस का खर्चा होता है, साथ साथ में जो रेगुलर फंक्शनिंग है गवर्नमेंट की उन पर खर्चा होता है, देश की पॉपुलेशन पर खर्चा होता है। तो देखिए, गवर्नमेंट का खर्च बहुत होता है, और उसके साथ अगर हम बात करें तो देश में डेवलपमेंट करना भी गवर्नमेंट को है। तो ऐसे में क्या होता है कि गवर्नमेंट का खर्चा कभी कभी गवर्नमेंट रिसिप्ट से ज्यादा हो जाता है, यानी कि गवर्नमेंट रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है। तो आपने समझा टोटल एक्सपेंडिचर क्या है। टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का टोटल होता है। भाई, हम बात करते हैं टोटल रिसिप्ट क्या है। देखिए, गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट आती है वो एक तो होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में आती है टैक्स और नॉन टैक्स। अगर हम बात करें रेवेन्यू रिसिप्ट, वो रिसिप्ट होती है जो गवर्नमेंट के एसेट्स और लाइबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करती, जबकि कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो गवर्नमेंट के एसेट्स और लाइबिलिटीज को अफेक्ट करती है। इसमें तीन तरह की रिसिप्ट आती है, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोविंग्स एंड अदर रिसिप्ट। अदर रिसिप्ट में आता है डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें गवर्नमेंट अपने जो पब्लिक डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके ऑनरशिप और मैनेजमेंट को प्राइवेट सेक्टर के हैंडओवर कर देती है। तो ऐसे में क्या होता है, आप गौर से देखिए कि हम बात कर रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट में बोरोविंग्स आपको ऐड नहीं करनी है, बोरोविंग्स को बाहर रखना है। जब कभी भी आप यहां बात करते हैं टोटल रिसिप्ट की और आपको फिस्कल डेफिसिट निकालना है तो बोरोविंग्स आपको क्या करना है, बाहर रखना है। इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या होगी। तो फिस्कल डेफिसिट रिफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट, यानी कि जब कभी भी सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज्यादा हो जाते हैं तो आता है फिस्कल डेफिसिट। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने 50,000 करोड़ का खर्चा किया है। 50,000 करोड़ का खर्चा है, ये खर्चा मेंटेनेंस पर भी है, रेगुलर फंक्शनिंग पर भी है और डेवलपमेंट पर भी है, एग्जांपल समझ रहे हैं। और 40,000 करोड़ की इनकम आई है, यानी कि रिसिप्ट जो आ रही है 40,000 करोड़ है और इसमें बोरोविंग्स को हमने ऐड नहीं किया है। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट बट नॉट बोरोविंग्स। सेम यहां है,
टोटल एक्सपेंडिचर 50,000 करोड़ माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, यानी कि बोरोविंग्स को नहीं लिया है 40,000, तो टोटल कितना रहता है 10,000। यानी कि आप देख रहे हैं कि सरकार के खर्चे हैं ज्यादा और सरकार की इनकम है कम, ऐसे में 10,000 का फिस्कल डेफिसिट आया है। अब यहां बात यह है कि फिस्कल डेफिसिट बोरोविंग्स के इक्वल क्यों होती है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस किया जाता है बोरोविंग से। अब आप गौर से समझिए, 50,000 का खर्चा हुआ, 40,000 हमारे पास आए, तो जो बचे हुए 10,000 हमने लगाए हैं वो कहां से आएंगे? तो निश्चित तौर पर हमें क्या करने पड़ेंगे, बोरो करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, बोरो करने पड़ेंगे। तो बोरोविंग क्या करती है, फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने का काम करती है। इसीलिए क्योंकि हमें बोरो कितना करना पड़ेगा, 10,000, तो बोरोविंग्स बराबर हो जाएगी 10,000, और फिस्कल डेफिसिट कितना है, 10,000 है। तो नॉर्मल सी बात साफ साफ हो गई है कि फिस्कल डेफिसिट बोरोविंग्स के इक्वल इसलिए होता है क्योंकि बोरोविंग्स ही फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करती है। अब यहां बात यह आती है कि ठीक है, सरकार के हाथ में तो पावर है, अगर फिस्कल डेफिसिट जैसी समस्या आ रही है तो सरकार आरबीआई से कहकर नई करेंसी प्रिंट क्यों नहीं करा लेती? तो हाँ दोस्तों, आइए इसके बारे में बात करते हैं। अगर गवर्नमेंट आरबीआई से कहकर नई करेंसी प्रिंट करा लेती है तो इससे देश में आती है पहली इंप्लीकेशन, दैट इज इन्फ्लेशन, महंगाई आ जाएगी। कैसे आएगी, देखिए, जब आरबीआई नई करेंसी प्रिंट करेगा तो इससे क्या होगा, देश में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब देश में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो देश में डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी और देश को फेस करना पड़ेगा इन्फ्लेशन, और साथ साथ में हमारी करेंसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी अगर हम बात करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट की वजह से देश में क्या आ सकता है, इन्फ्लेशन आ सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरी, डेट ट्रैप। डेट ट्रैप मतलब होता है एक कर्ज में फंस जाना, उलझ जाना होता है। देखिए, गवर्नमेंट ने फर्स्ट ईयर के लिए, यानी कि पहले साल के लिए जो लोन था उसको वापस करने के लिए या अपनी इकोनॉमी को फंक्शन में लाने के लिए बोरो किया। अब पहले साल का बोरोविंग तो दे नहीं पाए, इंटरेस्ट पेमेंट भी देना है नेक्स्ट ईयर, फिर ले लिया। तो इससे क्या होगा कि ईच एंड एवरी ईयर हम लगातार बोरो करते रहेंगे और हम क्या हो जाएंगे, हम डेट ट्रैप में उलझते चले जाएंगे, उलझते चले जाएंगे। क्योंकि बोरोविंग्स करते समय हमें सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को रिटर्न नहीं करना होता, बल्कि हमको इंटरेस्ट भी रिटर्न करना होता है, और प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के चक्कर में पूरी जो इकोनॉमी है वो क्या हो जाती है, डेट ट्रैप हो जाती है। हम बात करते हैं फॉरेन डिपेंडेंस। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दरअसल जो गवर्नमेंट है वो बोरो कैसे करती है, या तो आरबीआई से बोरो कर सकती है, या देश की पब्लिक से बोरो कर सकती है, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि फॉरेन कंट्रीज से भी बोरो किया जा सकता है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, यानी कि अगर फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए हम दूसरे देशों से बोरो करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, दूसरे देशों के प्रति हमारी जो डिपेंडेंस है वो बढ़ जाती है, यानी कि फॉरेन डिपेंडेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इसका एक सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उन पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि जो आज गवर्नमेंट लोन ले रही है, बोरो कर रही है, तो इसमें क्या होगा, ईच एंड एवरी ईयर हम डेट ट्रैप में उलझते चले जाएंगे, और समय के साथ साथ हमारे देश पर जो बोरोविंग्स का भार है वो बढ़ता चला जाएगा, और आने वाली जनरेशन को इसे उतारना होगा। तो इसका पूरा जो ट्रबल है वो किसे बियर करना होगा, हमारी फ्यूचर जनरेशन को। यानी कि फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज कर देता है फाइनेंशियल बर्डन फॉर आर फ्यूचर जनरेशन। तो देखा आपने, हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या है, गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर और जो टोटल रिसिप्ट होता है इनका डिफरेंस फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। जब भी टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोविंग्स, जब भी टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज्यादा हो जाते हैं तो फिस्कल डेफिसिट आता है। फिस्कल डेफिसिट में चाहकर भी गवर्नमेंट आरबीआई से नए नोट प्रिंट नहीं करा सकती, क्योंकि क्या होगा कि अगर आरबीआई नए नोट प्रिंट करेगा तो देश में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन आ जाएगा, साथ साथ हमारी करेंसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहीं फिस्कल डेफिसिट की वजह से हम ईयर आफ्टर ईयर लोन लेते रहते हैं, बोरो करते रहते हैं, और इससे क्या होता है, हमारी पूरी इकोनॉमी डेट ट्रैप में उलझ जाती है। वहीं अगर हम दूसरे देशों से बोरो करते हैं तो जो फॉरेन डिपेंडेंस होती है वो बढ़ जाती है, और फिस्कल डेफिसिट की वजह से, क्योंकि हम ईयर आफ्टर ईयर बोरो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो इसका जो बर्डन पड़ने वाला है वो पड़ जाता है हमारी फ्यूचर जनरेशन पर। तो आई होप दोस्तों, आपको फिस्कल डेफिसिट का कंसेप्ट समझ में आ गया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।